फाइनली बजाज पल्सर NS 200 का 2023 मॉडल हमारे इंडियन मार्केट पे आ चुका है और बहुत सारे बजाज की डीलरशिप में भी ये NS 200 आ चुकी है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी में जो है कॉस्मेटिक भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं और मैकेनिकली भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी 2023 मॉडल बजाज पल्सर NS 200 के बारे में बताने वाला हूं कि कंपनी ने जो है पहले के मुकाबले यहां पर क्या कुछ चेंजेस कर दिए है प्राइसिंग में, फीचर्स में एंड क्या कुछ अब आप लोग को देखने को मिलने वाला है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला चेंजेस तो आप लोग देख ही सकते हैं जो कि यहाँ पर जो है कलर ग्राफिक्स में किया गया है। इस गाड़ी का जो लुक्स है दोस्तों वो आप लोग को पहले तरह ही देखने को मिलेगा, बट इसका जो कलर ग्राफिक्स है उसको यहाँ पर कंपनी ने चेंज कर दिया गया है, जो कि देखने में पहले के मुकाबले और भी ज्यादा स्पोर्टी लग रहा है। बाकी आप लोग बताएं कि पहले के मुकाबले इसका लुक आप लोग को कैसा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को चेंजेस के बारे में बताऊं तो सबसे बड़ा चेंजेस यहां पर डुअल चैनल ABS में किया गया है। इस गाड़ी में दोस्तों पहले आप लोग को डुअल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता था, बट कंपनी अब आप लोग को इस गाड़ी में जो है डुअल चैनल ABS भी दे रही है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी का और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा पहले के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप लोग फ्रंट पे चेंजेस देख सकते हैं, जो कि गाड़ी में अब आप लोग को USD सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि पहले गाड़ी में जो है आप लोग को टेलीस्कोपिक का देखने को मिलता था। हालांकि इस गाड़ी का जो USD सस्पेंशन है उसको अगर गोल्ड कलर कर दिया जाता तो इस गाड़ी में और भी ज्यादा बेहतरीन लगता। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मीटर में चेंजेस देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी में दोस्तों अब आप लोग को गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता था कि इस गाड़ी में जो है गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता है। तो फाइनली अब इस गाड़ी में भी अब आप लोग को गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को मेनली इंजन में चेंजेस देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जो इंजन है वो पहले तरह सेम ही है, बट इस पर दोस्तों अब जो है आप लोग को BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जिस पर कि दोस्तों गाड़ी जो है RDE नॉर्म्स के साथ आ रही है, यानी कि रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स के साथ। इसके अलावा गाड़ी में आप लोग को OBD2 सेंसर भी देखने को मिलेगा और गाड़ी में आप लोग E20 यानी कि 20% एथेनॉल वाला भी फ्यूल को यूज कर पाएंगे। तो इतने सारे चेंजेस दोस्तों यहां पर पहले के मुकाबले हो चुके हैं इस गाड़ी में। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को पहले के मुकाबले अब ये गाड़ी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। बाकी यहां पर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बता दूं तो पहले के मुकाबले लगभग जो है 5 से 10 हज़ार रुपए बढ़ाया गया है और इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताया जा रहा है दोस्तों वो लगभग जो है 1,40,000 रुपए के आसपास में इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस बताया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो गाड़ी है ये बजाज की काफी सारे डीलरशिप में भी आ चुकी है, तो आप लोग भी अपने नजदीकी बजाज के शोरूम में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपके नजदीकी बजाज शोरूम में ये गाड़ी नहीं आई होगी तो आप लोग वहां पर जाके इस गाड़ी को बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो बुकिंग है दोस्तों वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस गाड़ी में दोस्तों आप लोग को कुछ इतने सारे अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं पहले के मुकाबले। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को ये सारे अपडेट कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।